तो इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह, माँ की दुआ भी बच्चों का मुस्तकबिल बनाती है। आजकल हम देखते हैं बच्चे ज़्यादा साथ हैं तो माँ बद्दुआ करती है, माँ को दुआ करना चाहिए। देखो इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह पैदा होते वक्त अच्छे थे, जब बीनाई चले गई इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह तहज्जुद में उठकर इतना रोती, जहाँ बैठती वो पूरा भीग जाता था। अल्लाह ताला ने इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह की माँ की तड़प देखी, वो एक दिन दुआ करके सोए, रात में ख्वाब में देखते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए। रिवायत सही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आकर बोल लगे, अरे बुखारी की माँ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला आपके बेटे की बिना ही लौटाएगा। वैसे ही हुआ। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह की माँ कहती हैं, अपने जगह से उठकर देखते हो इमाम बुखारी अपने जगह से उठकर माशाल्लाह वजू करने जा रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बिना ही लौटाई, वो मदीने में चांदनी रातों में बैठ कर चाँद की रोशनी में हदीसें लिखा करते थे। ये होती है माँ की तड़प।